Friends, welcome back to our YouTube channel. I hope you guys are doing absolutely fine. Time हो रहा है 9:34 in the morning. आप देख सकते हो ICICI बैंक का चार्ट हमने ओपन किया है. सो डेली का चार्ट है दोस्तों, ये यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिख रहा था हमें. और जो है यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटा सा कप एंड हैंडल पैटर्न, इसका ब्रेकआउट, बाद में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, उसका ब्रेकआउट यहाँ पे काफ़ी अच्छे से. कल भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छे थे, गैप अप ओपन हुआ था, आज उसके ऊपर ओपन होके सस्टेन कर रहा है. सो यहाँ पे देख सकते हो मार्च के क्रैश डाउन के बाद इसने हाई जो है 422 का हाई लगाया था, उसके ऊपर आज सस्टेन कर रहा है 430 के ऊपर. सो काफ़ी अच्छी बात है ये. फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 10:20. सो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2 मिनट्स का चार्ट लगाया यहाँ पे. सो इस लेवल के नियर बाय मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है अपना जो बाइंग साइड का. सो कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे जो है कंटिन्यूसली फॉल चल रहा था, अभी जाके इसने बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनाई और यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दे दिया है. ठीक है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेस्ट की तरह एक्ट किया, बट वापस से रेड कैंडल बना रहा है. तो मैं यहाँ पे बाय करना पसंद नहीं करूँगा, ऑल दो मुझे थोड़ा सा सस्ता मिल रहा है 1-2 पॉइंट, बट मैं जो है ब्रेकआउट के लिए, अभी देखो ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है बराबर. सो ये कैंडल के हाई के ऊपर बाय करना पसंद करता हूँ, भले मुझे 1-2 पॉइंट लेट मिल जाए, चलता है उतना, बट प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ती है, नथिंग एल्स. सो 433.9 उसका हाई है, सो 434 तक बाय कर सकते हैं. ठीक है, सो अभी देख सकते हो ऑलमोस्ट ऑर्डर ट्रिगर कर दिया है इसने. सो आपके सामने यहाँ पे ऑर्डर जो है ट्रिगर हो चुका है, ऑलमोस्ट इसने हाई लगाया है 434.5 का और हमें ऑर्डर भी मिला है 434.25 पे. काफ़ी लोग पूछते हैं कि बाइंग प्राइस बताते जाओ. यहाँ पे देख सकते हो आप क्वांटिटीज दिखता है फायर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल पे, 114 हमने क्वांटिटी लिया है. यहाँ पे आप देख सकते हो बाइंग प्राइस, ठीक है, 434.25. टारगेट स्टॉप लॉस रैंडमली यहाँ पे आया जो मैं 1% के अराउंड लगाता हूँ. ओके, स्टॉप लॉस भी बराबर प्लेस पे लगा हुआ है ऑलरेडी, सो नथिंग टू वरी. यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो. सो देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है. तो फ्रेंड्स, टाइम हो रहा है 11:34. आप देख सकते हो ICICI बैंक काफ़ी कॉस्ट के नीचे सस्टेन कर रहा था जब से हमने ट्रेड लिया है. ऑलमोस्ट देखोगे तो ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अभी जाके जो है वो ब्रेकआउट की तरह एक्ट कर रहा है. अभी तक किया नहीं है कंपलसरी, वॉल्यूम्स वगैरह अभी तक आया नहीं. वॉल्यूम आता है, ब्रेकआउट अगर देता है तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है. 100 के अराउंड अपना लॉस कुछ चल रहा है. बैंक निफ्टी अगर देखोगे तो मैंने टेलीग्राम के ऊपर शेयर किया था, यहाँ पे बैंक निफ्टी भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट का तैयारी कर रहा है. सो देखते हैं अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो हमारा ICICI बैंक का ट्रेड भी चल सकता है. ऑल दो कॉस्ट के नीचे ही सस्टेन कर रहा है जब से लिया है तब से, बट देखेंगे लॉस एंड प्रॉफिट दोनों के लिए भी रेडी है. वंस अगर ये डे हाई ब्रेक करता है तो हम अपना रिस्क काफ़ी कम कर देंगे, ऑलमोस्ट ये लेवल के नियर बाय ला सकते हैं स्टॉप लॉस, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड करेंगे. अगर ब्रेक करता है तो, ब्रेक नहीं करता है तो स्टॉप लॉस जो है वो रहने देंगे और लॉस के साथ एग्जिट करेंगे अगर मार्केट हमें लॉस देता है तो. सो ये अभी तक प्लान है अपना, देखते हैं. दोस्तों, टाइम हो रहा है 12:00 इन द आफ्टरनून. यहाँ पे देख सकते हो ICICI बैंक ने काफ़ी दिक्कत कर करके बाद में अभी जो है ब्रेकआउट दिया है. ठीक है, यहाँ पे आप कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर. वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा सा था. सो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ है, बट ये जो ब्रेकआउट कैंडल का हाई है वो अभी तक क्रॉस नहीं किया है, दैट इज़ 435. अगर 435 ये क्रॉस करेगा तो हम अपना जो ये स्टॉप लॉस है ऊपर के लेवल पे इजीली ला सकते हैं, बट अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया है. वेट करना पड़ेगा दोस्तों, इतने जल्दबाजी में स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं कर सकते. काफ़ी लोगों को ये दिक्कत रहती है स्टॉप लॉस कब ट्रेल करना चाहिए, क्यों ट्रेल करना चाहिए. सो एग्रेसिवली अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते हो तो आपका चांसेस हो जाता है कि स्टॉप लॉस हिट करके काफ़ी ऊपर जाए फिर बाद में. सो देखते हैं अभी अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है या नीचे के लेवल पे ये ब्रेक करता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ. दोस्तों, अगेन वेलकम बैक. टाइम हो रहा है 12:13. जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ये लेवल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट कैंडल का, देखिए वो लेवल पार करते ही इसने 2 मिनट के अंदर कितना बड़ा हाई लगाया है 437 का. ऑलमोस्ट देखो ये तो 2 पॉइंट्स का हाई. वॉल्यूम भी देखो, ये जो वॉल्यूम मैं डिस्कस कर रहा था वो कितने पिक हुए. ठीक है, सो ये एल्गोज ऐसे काम करते हैं. 250 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है अपना. अभी हम जो है स्टॉप लॉस ट्रेल ऑब्वियसली कर सकते हैं. स्टॉप लॉस जो है हम अपना लाएंगे ऑलमोस्ट ये लेवल के अराउंड. ये फायर्स का ट्रेडिंग टर्मिनल है दोस्तों, इसके ऊपर अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको. काफ़ी अच्छा फैसिलिटी देता है ये. 30 डेज चैलेंज आप यहाँ पे देख सकते हो. ये अगर 30 डेज आप प्रॉफिटेबल रहते हो एट द एंड ऑफ 30 डेज तो आपको ब्रोकरेज जो है अप टू 10,000 रिफंड मिलता है. ठीक है,
सो उसके साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, सो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है उससे। सो आप ओपन कर सकते हो, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप यूज़ भी कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, अगर नहीं करते हो यूज़ तो। सो यस, 436 के अराउंड चल रहा है, 438.75 के नियर मैंने टारगेट लगाया है। दोस्तों इसका टारगेट आप नज़दीक कहीं मिल नहीं रहा था मुझे, देखोगे आप तो नज़दीक यहाँ पे टारगेट नहीं दिख रहा है, अगर आप पीछे जाते हो तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा। सो 440 लेवल जो है वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकती है, सो उसके पहले हम निकल जाएंगे। फ्रेंड्स टाइम हो रहा है 12:42, ICICI बैंक ने जस्ट अभी इसका डे हाई क्रॉस किया है अच्छा से वॉल्यूम के साथ, काफ़ी यहाँ पे स्ट्रगल किया है हमने सुबह से, पेशेंस काफ़ी चेक किए, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस के नियर बाय था, इनिशियल मेरा ये लेवल के अराउंड था स्टॉप लॉस कुछ, ठीक है। सो यहाँ पे दो बार हैमर किया था और यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम अभी दिखा रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं ये जो था इसको सुबह से रेजिस्टेंस था, आप क्लियरली देखोगे तो, सो रेजिस्टेंस अभी जाके ब्रेक किया और अच्छा सा अपसाइड मोमेंटम, हमारा टारगेट ये लेवल के पास है, टारगेट के लिए हम प्रॉपर रुकते हैं, आपको तो पता ही, ये सब हटा देते हैं। 300 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है, 438.8 पे हमारा टारगेट है, 439 के अराउंड यहाँ पे अच्छा सा रेजिस्टेंस है, इसको प्रीवियसली वो अगर क्रॉस करता है तो 450 के लेवल्स भी दिखा सकता है, बट हमारा जो हमने प्री डिफाइंड टारगेट किया है वो इंट्राडे के लिए इतना ही है। दोस्तों टाइम हो रहा है 1:12 इन द आफ्टरनून, यहाँ पे जो है ICICI बैंक ने काफ़ी स्ट्रगल करते हुए अपना ऑर्डर जस्ट एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे एक फ्लिक आया और वहीं से प्राइस रिजेक्शन बताया अच्छे से, ठीक है। सो वो रेजिस्टेंस की तरह हमने जैसे डिस्कस किया था 439 का लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह ऐड कर सकता है, उसको भी क्रॉस करता है तो अगले लेवल्स ओपन हो जाएंगे 445 एंड 450 का, बट हम उसके लिए वेट नहीं करेंगे। 1% का अपना जो रेगुलर टारगेट रहता है प्रीवियसली डिफाइन इंट्राडे के लिए, तो काफ़ी हो जाता है वो भी। सो 530 के अराउंड हमने बुक किया है, यहाँ पे देख सकते हो आप, ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ आपको, ऑलमोस्ट हमने बाय किया था 10:21 को और 1:11 को हमारा जो है ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है टारगेट का। सो काफ़ी पेशेंस चेक किए आज ऑलमोस्ट अगर देखोगे आप तो, सो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के पास हमारा पेशेंस चेक हुआ है, बट ठीक है दोस्तों कभी कभी जैसे कि मैंने बोला है पेशेंस वगैरह टेस्ट होते रहते हैं, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट। ये टेलीग्राम के ऊपर भी मैंने पोस्ट किया था दोस्तों, अगर टेलीग्राम पे नहीं हो तो मैक्स नॉलेज अगर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, 3000 के अराउंड अपने सब्सक्राइबर्स है। यहाँ पे देखो तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बनते हुए दिख रहा था, डे हाई इसने क्रॉस किया तो अच्छा सा मोमेंटम मुझे एक्सपेक्टेड था, तो वही ये कर रहा है, डे हाई के नियर बाय ट्रेड कर रहा है अभी भी, ये ब्रेकआउट के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये ब्रेकआउट आया था, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छे ऐसे थे, इसके हाई के ऊपर मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, यहाँ पे ये कैंडल के ऊपर ट्रेड हमारा ट्रिगर हुआ 10:21 को, एरोज देख सकते हो आप यहाँ पे। सो उसके बाद कॉस्ट के नीचे सस्टेन किया था, अपना स्टॉप लॉस ये लेवल के पास था, यहाँ पे सस्टेन किया, पेशेंस चेक किया, फाइनली जाके यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और जो है अपना टारगेट जो था अभी हिट कर दिया इसने, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, बुक किया हमने 500 के अराउंड, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।